तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखो। इसमें बेसिकली क्या करते हैं कि वेलोसिटी, एक्सलेशन एंड फोर्स आर फंडामेंटल यूनिट। देखो, जो पहले फंडामेंटल हुआ करते थे, अब वो उन्होंने मान लिया कि ये फंडामेंटल है। एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? तो एंगुलर मोमेंटम इनके टर्म में अगर मुझे निकालना हो, तो इस सवाल को सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका है कि जब भी ऐसा सवाल आए, तो एंगुलर मोमेंटम को मैं एल मान लेता हूँ, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और जिस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पर मैं वेलोसिटी को ए मान लेता हूँ। पावर एक्सलेशन पे डिपेंड करता है, तो एक्सलेशन की बी मान लेता हूँ, और फोर्स पे डिपेंड करता है, तो फोर्स को एफ, और इसकी पावर मैं सी मान लेता हूँ। ठीक है, ये वाली चीज़ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आपको कुछ नहीं करना है, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है डायमेंशन से, और यही इसका फाइनली सोल्यूशन होगा। एल इसी के फॉर्म में दिखेगा, ठीक है ना। तो ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए सभी का डायमेंशन रखें। एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम होता है एम बी आर, मास। वेलोसिटी का एल टी माइनस वन, और रेडियस का एल। तो ये एंगुलर मोमेंटम का होगा एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस वन, ठीक है। और वेलोसिटी बी बी का होगा एल टी माइनस वन। ए क्या है? एक्सलेशन का होगा एल टी माइनस टू, ठीक है। फोर्स का होगा एम एल टी माइनस टू। तो ये चारों वैल्यू जो है ऊपर वाले इक्वेशन में रखते हैं। तो अगर मैं ये चारों वैल्यू ऊपर वाले इक्वेशन में रखूँगा, तो देखो एंगुलर मोमेंटम का इधर बनेगा एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस वन, इधर बनेगा के, और इधर वेलोसिटी का बनेगा एल टी माइनस वन का पावर ए, एक्सलेशन का होगा एल टी माइनस टू का पावर बी, और फोर्स का होगा एम एल टी माइनस टू की पावर सी। अब सबको एक पास करो, एल को एक पास करो, तो के, अगर एल को एक पास करोगे तो एल की पावर क्या बनेगी? एल का ए प्लस बी प्लस सी, और टी टी की पावर अगर देखोगे तो टी की पावर यहाँ माइनस ए है, ठीक है ना। टी की पावर यहाँ माइनस टू बी है, टी की पावर यहाँ माइनस टू सी है, ठीक है। और एम का पावर अगर देखोगे तो एम की पावर सी है, तो इधर बनेगा एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस वन, ठीक है। अब दोनों साइड में क्या करूँगा, पावर को कंपेयर कर दूंगा। तो अगर मैं दोनों साइड पावर को कंपेयर कर दूं, फिर उसके बाद मैं सॉल्व कर लूँगा। तो अगर मैं दोनों साइड पावर को कंपेयर करूँ और फिर सॉल्व करूँ, तो ये सोल्यूशन देखो क्या बनता है। चलो, तो यहाँ से तुम देखोगे तो फाइनली ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू एल की पावर टू है, और यहाँ से माइनस ए माइनस टू बी माइनस टू सी टी की पावर माइनस वन है, और यहाँ सी की वैल्यू डायरेक्ट निकल जा रही है एम की वैल्यू वन। तो एक तो वैल्यू यहाँ निकली गई, सी की वैल्यू वन आई गई, ठीक है। तो अगर मैं सी की वैल्यू ऊपर दोनों इक्वेशन में रखूँगा, तो यहाँ से ए प्लस बी और टू माइनस वन, ठीक है। तो ए प्लस बी और ए प्लस बी वन हो जाएगा, और यहाँ से माइनस ए माइनस टू बी और सी की वैल्यू वन रखोगे तो इधर जाएगा, तो यह जाएगा माइनस वन, ठीक है ना, ये वाली चीज़। तो अगर तुम देखोगे यहाँ से प्लस वन हो जाएगा ये, तो ये माइनस टू सी, हाँ टू की वैल्यू रखोगे प्लस वन। अब इन दोनों को ऐड करो, तो अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो ये वाला ये से कट जाएगा, और यह जाएगा माइनस बी इज इक्वल टू प्लस टू, तो बी की वैल्यू माइनस टू बी आ जाएगा। तो ये रहा अपनी बी का सलूशन, ठीक है। और ए की वैल्यू, जब बी की वैल्यू माइनस टू है, तो यहाँ पे रखोगे बी की वैल्यू माइनस टू, तो ए की वैल्यू आ जाएगा प्लस थ्री, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर फाइनली कौन सा यहाँ से मैच करता है, सी की वैल्यू वन। सी की वैल्यू वन मतलब एफ की पावर वन है, तो एफ की पावर वन ये सही नहीं हो सकता, ये सही नहीं हो सकता, ये एफ की पावर वन। बी की पावर देखो, भी 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 मतलब ए, ए की पावर थ्री है, तो ए की पावर थ्री मतलब, और ए की पावर माइनस टू है, तो ये सी ऑप्शन सही है।